Hello students, how are you all? Hope you and your family members are safe at home. My name is Anuradha Pradhan, Science Faculty, Great Mission Public School, Himatpur Block, Ramnagar. So already we have been started the chapter, Every Drop Counts, okay? So we are going the chapter slowly so that it will be clear and you can understand it properly. So if you have any kinds of doubt regarding this chapter, you can ask me your questions or doubts, whatever is there in my either personal WhatsApp number or in class groups, okay? Or you can directly call me anytime. I will be available for you to make you understand in a proper and better manner. So let us start the chapter. The story today. So let us see different ways in which people manage water today. So आजकल लोगों को कैसे पानी मिलता है, तो हम क्या करेंगे, कुछ पिक्चर्स देखेंगे कि डिफरेंट वे से लोग कैसे पानी लेते हैं, ठीक है। और आपको करना भी क्या है, पुट ए टिक मार्क ऑन द पिक्चर, ठीक है। आपको पिक्चर के सामने टिक मार्क लगाना है इफ़ यू आर गेटिंग वाटर फ्रॉम दैट वे, ठीक है। अगर आपने उस वे से आपके घर में पानी आता है तब आपको उसके सामने क्या करना है, टिक मार्क लगाना है। तो पहला पिक्चर है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जल बोर्ड वाटर टैंकर। तो ये क्या करते हैं, कॉलोनीज में दिन में दो बार आते हैं और लोग, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, लोग क्या है लंबी लाइनें लगाकर पानी भर रहे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई भी कर रहे हैं। अगर आपको इस वे से पानी मिल रहा है तो आप इसके सामने टिक करेंगे, नहीं तो क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लड़की के पीछे क्या है, कुआं है, वेल है। तो वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, अगर आप कुएं से पानी भर रहे हो, ठीक है। और द नियर बाय वेल्स ड्राई अप ईयर एगो, बहुत साल पहले क्या हो गया, ये आसपास के जो कुएं हैं वो सूख गए हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं लोग, बहुत दूर दूर तक मीलों चलकर दूसरे कुएं से पानी भर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ कास्ट, ठीक है। अगर कास्ट के लिए एक कुएं से पानी अगर ना मिले तो दूसरे कुएं से पानी लेने के लिए बहुत दूर मीलों तक चलना पड़ता है। अगर ये आपको पानी इस वे से मिलता है तो आप इसको टिक करेंगे, वरना क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, आपके घर में सिर्फ हाफ एन आवर के लिए पानी आता है, इसलिए आप क्या करते हो, टैंक्स में ये दिखाई दे रहा है, टैंक्स ऐसे बड़े बड़े टैंक्स में आप क्या कर रहे हो, पानी भर लेते हो ताकि आप उसको ऑल डे यूज़ कर सको। अगर ये है, समटाइम्स इट इज़ डर्टी, ओके, तो समटाइम्स क्या है, ये टैंक्स भी डर्टी हो जाते हैं। अगर इस वे से आपको पानी मिलता है देन पुट टिक मार्क और क्रॉस इट, ओके। देन द नेक्स्ट पिक्चर इज़ वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग, अगर आपको पानी टैप से और पूरा दिन मिलता है देन पुट टिक मार्क, ओके। देन नेक्स्ट, देर इज़ ए हैंड पंप नियर बाय, आपको पीछे हैंड पंप दिखाई दे रहा है, बट द वाटर दैट वी गेट इज़ सॉल्टी, इसमें कौन सा पानी आ रहा है, खारा पानी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप, ये पानी खारा पानी है इसलिए हम वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पी नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, पानी खरीदना पड़ता है। अगर ये है आपका सिचुएशन और इस वे से आप पानी लेते हो तो आपको इसे टिक करना है, वरना क्रॉस कर दीजिए, ओके। नाउ वी हैव ए पंप, ओके, आपके घर में क्या है, पंप है जो कि डायरेक्टली कहाँ से, जल बोर्ड पाइपलाइन से कनेक्ट होता है। नाउ वी हैव नो वाटर प्रॉब्लम, अगर ये इस वे से आप पानी लेते हो देन पुट टिक मार्क, ओके। वी हैव पुट ए मोटर, आपने मोटर लगा रखी है नियर द बोरवेल, ओके। बोरवेल मीन्स जो कुएं होते हैं बोरवेल से, ओके, कुआं या तो हैंड पंप, ओके, उसमें क्या है, अगर आपने मोटर फिट किया है, मोटर लगाया है, लेकिन क्या है, देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये है तो टिक, ओके। नाउ वी गेट वाटर फ्रॉम कैनल इट्सेल्फ, आपको कैनल दिखाई दे रहा है, आप कैनल से क्या कर रहे हो, पानी भर रहे हो। इफ दिस वे इज देयर देन पुट ए
tick mark. Okay, so let us move to the next